हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग अभी स्टडी प्लानिंग करके अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जा रहे हो, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब प्लान के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपने ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो स्टडी प्लान रहता है उसमें एक मैक्रो प्लान रहना चाहिए मंथ्स का, कि आपको कौन से मंथ तक के कितने रिविजन्स कंप्लीट करना है, एंड देन माइक्रो प्लान डे वाइज कि आपको विद इन दैट डे कौन से टॉपिक्स करना है। अब जो आपका माइक्रो प्लान रहता है उसमें भी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूनिक ऐसा एक बैलेंस करो जिसमें थियोरी एंड प्रैक्टिकल उसका बैलेंस हो जाए, एंड विद इन दैट ऑल्सो एक ही दिन में सब कुछ इजी इजी टॉपिक मत रखना, सब कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं, तो क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इजी मीडियम एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स एज वेल विद इन दैट डे। Another important aspect of planning is flexibility. तो आपको अगर कोई टॉपिक ए आप पढ़ रहे हो उस दिन वो पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आपने उसको स्वैप कर देना है टॉपिक बी के साथ में जो से एक हफ्ते बाद का प्लान था, तो स्वैपेबल होना चाहिए। एंड कीपिंग इन माइंड द कंटिजेंसीज ड्यू टू फेस्टिवल्स, वर्ल्ड कप, बर्थडे एटसेट्रा, कभी हेल्थ इशू हो सकता है, तो आपके प्लान में थोड़ा सा स्पेयर टाइम रहना ही चाहिए जो आपको काम में आएगा टू कवर इट अप। अच्छा, अगर आपने स्टडी प्लान बनाया और उसको अगर आपने 60-70% भी इंप्लीमेंट कर दिया तो आप एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्लीमेंट इट एंड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर स्टडी प्लानिंग। यू कैन ऑलवेज रेफर टू अस इफ यू नीड एनी हेल्प।